जी है साहब कि मैंने साहब आपके लिए वर्गमूल निकाल के तक बता रहा हूँ कंडीशनें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा कैसे आपका रूट टू निकल रहा है वो तक मैं बता रहा हूँ। इसी इसी फार्मूले से आप रूट थ्री निकाल लेंगे, इसी फार्मूले रूट फोर निकाल लेंगे, ठीक। इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इससे वीडियो लंबी बनती है, पर शॉर्ट में बता दिया, रटा रटा रटाया कि नहीं साहब इसे ए वन मान लिया या पी वन मान लिया या वी वन मान लिया, जो भी कंडीशन है वो मार के चलेगा और थ्योरी एक आप लिखते गए, कुछ अलग हटके भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग हटके मैंने थोड़ा दिया है, आगे कुछ डेफिनेशन है वो इसी आधार पर बन जाएंगी। ज़्यादा दिक्कत है कमेंट करके बताइए। एक आप लोगों से निवेदन है, आपके लिए एक मैसेज है। कभी भी कोई भी बच्चा हो और पढ़ाई में तेज है, वो सपोज़ कीजिए आप उसके टक्कर के नहीं है, नहीं है आप उसके टक्कर, तो कोई तेज़ है तो आप उससे ईर्ष्या कभी मत लेना, नहीं साहब वो तेज़ है। अरे तेज़ होगा उसने साहब, उस बच्चे ने मेहनत की है बेचारे ने, रात दिन एक करके वो मेहनत करता है, आप क्यों ईर्ष्या उससे करेंगे। मैं जी नहीं कौन कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बाकी उसे अपना एक एक आइडल आइडियोलॉजी मान के उसे ये देखना चाहिए कि जब ये बन सकता है ऐसा तो मैं क्यों उस नहीं बन सकता। अपने आप को ढालिए कि साहब ये इतना मेहनती तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं 12 14 15 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता, क्यों अच्छे नंबर नहीं ला सकता। आप भी कर सकते हैं, इसलिए किसी ईर्ष्या मत कीजिए, मेहनत कीजिए। क्या ईर्ष्या मत कीजिए, मेहनत कीजिए। थोड़ा मुझे हिचकिचाहट हो रही है, अभी नया है मेरा, धीरे धीरे मैं हो जाएगा और मैं आपको और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जो दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको सवाल समझने में, क्वेश्चन समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है एक्सरसाइज 1.2 में, तो एक कमेंट करके मुझे बताइए, जैसे भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा। पूरी एक्सरसाइज में बता देना, कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में किसी में दिक्कत आ रही है मैं बता सकता हूँ क्लियर, तो इससे टाइम ज़्यादा है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, ठीक। अच्छा इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।